Hi guys, I'm Hina Ahmed and welcome back to my channel Hina Ki Duniya. So this video is all about these pesky pets called mealybugs. Mealybugs kya hai? Mealybugs are soft-bodied wingless insects and ye feed karte hain by sucking plant juices jo ki plant ko weak kar deta hai and ye bahut hi common house plant pest hai. So guys, आज मैं आपको बताऊंगी कि how to get rid of mealybugs on your house plants. And I'm sure most gardeners have had an encounter with these bugs, a big nuisance to plants. So ज़्यादातर mealybugs जो है वो perennial plant पे ज़्यादा आपको दिखेंगे. ये जो मेरा plant है ये Ruellia plant है, which is also known as Mexican petunia. तो इस प्लांट पे मैंने कुछ मिलीबग्स को आज मैंने सुबह देखा एंड मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मिलीबग्स को किस तरह आपको अपने प्लांट से हटाना है. सो ये देखिए यहाँ पे कुछ मिलीबग्स हैं एंड मैंने सही टाइम पे देख लिया था, इसके वजह से इन्फेस्टेशन जो है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ एंड मैंने अपने प्लांट को बचा लिया है. लेकिन अगर आप लोग लेट करते हो सो प्लांट को बचा पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर. सो आप देख सकते हैं, ये देखिए. सो गाइस, मैं आपको आज बताऊंगी कि मीली बग्स को हटाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड कितना सेफ है सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल यूज़ करने से. सो नीम ऑयल क्या है? नीम ऑयल इज़ अ नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ द नीम टी एंड ये नीम ऑयल जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है from the neem trees, leaves and seeds. And as we all know that neem is a popular medicinal herb that's been part of traditional remedies. So guys, सबसे पहले तो मैं अपने plant में हमेशा organic fertilizer, organic pesticide ही use करती हूँ and मैं हमेशा organic gardening ही prefer करती हूँ. Chemical and all में कभी भी मैंने आज तक मेरे plant के लिए कभी use नहीं किया. So ये जो है नीम ऑयल, ये आप सब जान गए होंगे अब तक, ये एकदम ऑर्गेनिक है. सो इसे कैसे यूज़ करें ये मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पे मैंने 1 लीटर वाटर लिया है एंड इसमें मैं जो नीम ऑयल है वो मैं यूज़ करूँगी सिर्फ 5 ml के अराउंड. तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. सो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनिक हो वो आपके प्लांट्स के लिए सबसे सेफ होता है. सो ये मैंने यहाँ पे 5 ml के अराउंड नीम ऑयल लिया, इसमें मैं वाटर में ऐड कर दूँगी इस तरह और आपको इसे अच्छे से शेक करके एंड अपने प्लांट्स को स्प्रे कर देना है. लेकिन ये जो आप स्प्रे करेंगे ये या तो फिर मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है. सनलाइट जब आपके बालकनी में हो उस वक्त आप ये स्प्रे नहीं कर सकते हैं क्योंकि सनबर्न हो सकता है. सो इसलिए इसे आप या तो मॉर्निंग या तो फिर इवनिंग में ही करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है प्लांट्स के लिए. तो गाइस इस बहुत ही अच्छी तरह से एक एक जो आपके जो प्लांट की लीफ है हर जगह आपको बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है. सो इस तरह से आपको पूरे प्लांट पे बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है. सो गाइस ये किस तरह इफ़ेक्ट करता है, इंसेक्ट्स को किस तरह मारता है ये मैं आपको बताऊंगी. जब हम स्प्रे करते हैं और ये जो स्प्रे जब इंसेक्ट्स पे पड़ता है सो क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स के जो हार्मोन सिस्टम होते हैं उसको ये जो नीम ऑयल है वो ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है इंसेक्ट्स जो हैं वो खाना भूल जाते हैं. एंड अगर ये स्प्रे एग्स पे भी पड़ता है सो जो हैचिंग है वो भी रुक जाती है. सो ये इंसेक्ट्स के हार्मोनल सिस्टम पे अटैक करता है एंड इसका जो असर है वो थोड़ा सा स्लो है लेकिन बहुत सेफ एंड बहुत इफ़ेक्टिव है.
रेगुलर अगर आप इस तरह स्प्रे करते रहेंगे सो विद इन 10 डेज जो इन्फेस्टेशन है वो कम होने लग जाता है। और ये बहुत ही सेफ एंड इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड है आपके प्लांट के लिए। सो ये देखिए, इस तरह अच्छे से स्प्रे करने के बाद आपको कुछ दिन तक ना मिस्टिंग करना है ना प्लांट को वाटर देना है। और ये देखिए गाइस, ये नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट है मैं आपको जो दिखा रही हूँ। एंड ये देखिए इन्फेस्टेशन जो मतलब बहुत ही थोड़ा सा जो था मेरे प्लांट पे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। कहीं भी अगर आपको बहुत ही गौर से आप देखेंगे तो कहीं एक आपको मेरी बग दिखेगा बस। सो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। एंड आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी मेरी ये वीडियो देखकर। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।